1863 में आज ही के दिन लंदन में विश्व की पहली अंडरग्राउंड रेल सेवा की शुरुआत हुई थी। इस योजना को सफल बनाने के लिए चीफ इंजीनियर सर जॉन फोलर को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 10 साल बाद पहली बार पैडिंगटन से फेरिंगडॉन स्ट्रीट स्टेशनों के बीच अंडरग्राउंड ट्रेन चली, जो मेट्रोपॉलिटन लाइन पर थी। ट्यूब के नाम से मशहूर लंदन की अंडरग्राउंड रेल सेवा दर्जन भर से ज्यादा रूट और 270 स्टेशनों के बीच चलती है। लंदन की अंडरग्राउंड रेल सेवा दुनिया की पहली मेट्रो व्यवस्था थी, जिसके बाद कई दूसरे बड़े शहरों में मेट्रो सेवा लाने के लिए लंदन मेट्रो की व्यवस्था को आदर्श बनाया गया। 1933 में लंदन अंडरग्राउंड के अलग अलग रूटों को अलग रंग देकर मैप में तब्दील करने का काम किया गया। 1984 में भारत के कोलकाता में पहली मेट्रो की शुरुआत हुई, जबकि दिल्ली की मेट्रो 2002 में शुरू हुई। 1954 में आज ही के दिन ब्रिटेन का कॉमन जेट भूमध्य सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस दुर्घटना में विमान में सवार सभी 35 लोग मारे गए थे। ये विमान सिंगापुर से लंदन जा रहा था और रोम से उड़ान भरने की 20 मिनट बाद ही भूमध्य सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कॉमेट दुनिया का पहला जेट विमान था जिसे ब्रिटेन ने बनाया था। 1 साल तक कामयाबी से उड़ान भरने के बाद ऐसे 50 और जेट बनाने का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन तभी यह दुर्घटना घट गई। दुर्घटना के बाद जांच में पता चला कि भयंकर तूफान की चपेट में आने की वजह से जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 1975 में आज ही के दिन नागपुर में पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इसके बाद 2006 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हर साल 11 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। इसका उद्देश्य विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए वातावरण निर्मित करना, हिंदी के प्रति अनुराग पैदा करना, हिंदी की दशा के लिए जागरूकता पैदा करना और हिंदी को विश्व भाषा के रूप में प्रस्तुत करना है। विदेशों में भारत के दूतावास इस दिन को विशेष रूप से मनाते हैं। हिंदी भारत के अलावा मॉरिशस, पाकिस्तान, सूरीनाम, त्रिनिदाद और कुछ दूसरे देशों में भी बोली जाती है। 1991 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जेवियर पेरेस द कुयार खाड़ी युद्ध टालने की अपनी आखिरी कोशिश के तहत इराक की राजधानी बगदाद गए थे। संयुक्त राष्ट्र ने इराक के शासक सद्दाम हुसैन को 5 दिनों के अंदर कुवैत से अपनी सेना हटाने का आदेश दिया था, लेकिन ऐसा नहीं कर पाने पर इराक के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की घोषणा की गई थी। इराक के विदेश मंत्री तारिक अजीज और अमेरिकी विदेश मंत्री जेम्स बेकर के बीच जेनेवा में एक दिन पहले हुई वार्ता विफल साबित हुई थी। आखिरकार अमेरिकी संसद ने इराक पर हमला करने के पक्ष में 12 जनवरी को मतदान किया और 16 जनवरी को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के साथ ही खाड़ी युद्ध की शुरुआत हो गई। और 1996 में आज ही के दिन जॉर्डन के शाह हुसैन अपनी पहली सार्वजनिक यात्रा पर देश के सबसे बड़े शहर तेल अबीब पहुंचे थे। 1994 में इसराइल और जॉर्डन में हुई शांति समझौते के बाद 46 साल से चले आ रहे युद्ध की समाप्ति हुई थी और शाह हुसैन की इसराइल यात्रा को दोनों देशों के रिश्तों में आए सुधार के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा था। हालांकि जॉर्डन में रहने वाले फिलिस्तीनी लोग इस संधि के खिलाफ थे, जो कि देश की आबादी का 60% हिस्सा थे। फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन ने शाह हुसैन की इस यात्रा की निंदा भी की थी। उनका कहना था कि पहले उन्हें फिलिस्तीनी शासन वाले इलाके का दौरा करना चाहिए था।